अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो है टीथ वाइटनिंग पर। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ और उनका रिव्यूज़ दूँगी, उनका आपको मैं डेमो दूँगी। और अगर आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हों, अच्छी लगें, तो आप उनको बाय कर सकते हैं। वो किस तरह के, आपको जाना है सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ मैंने लिंक डाला होगा, आप उसको ओपन करके इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, जो हमारी पहली प्रोडक्ट है वो है टीथ वाइटनिंग, 100% नेचुरल टीथ वाइटनिंग एक्टिवेटेड ऑर्गेनिक चारकोल। तो ये कुछ दिखने में इस तरह की है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर से इस तरह पाउडरी फॉर्म में है कुछ ब्लैक कलर का चारकोल। इसका टेस्ट जो है वो अभी मैं आपको करके बताऊंगी कि कैसा है। मैं ख़ुद इसको वेरी फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। और जो सेकंड वाली प्रोडक्ट है वो है कुछ इस तरह की, इसकी पैकेजिंग है और ये दिखने में कुछ ऐसी है। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मुझे नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है, चाइनीज़ में है या जैपनीज़ में है। तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो है या बैंगजिंग, और इसका मतलब क्या है ऑब्वियसली कुछ दांत साफ करने से रिलेटेड ही होगा। तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, इसमें ड्रॉपर की शेप में ये आता है और साथ में इसकी दो कॉटन बड्स हैं। तो चलिए जनाब, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है 100% नेचुरल टीथ वाइटनिंग जो कि चारकोल है, इसको यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने के लिए हमें टीथ ब्रश चाहिए होगा, जिसे हम पानी में डिप करेंगे पहले, और उसके बाद हम डिप करेंगे चारकोल के अंदर। थोड़ा सा चारकोल ब्रश के ऊपर लगा कर हम करेंगे टीथ ब्रश, ठीक है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट अंदर से है वो बिल्कुल जेट ब्लैक कलर में है। और ये यहाँ पर आप, मेरे टीथ भी मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये मेरे ग्रीसी ग्रीसी आपको इनके ऊपर जो शाइन है वो नज़र आ रही होगी। ये चीज़ ये बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल फीका है, कोई इसका टेस्ट नहीं है। आप इसीलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे जो टीथ हैं वो बिल्कुल एकदम से फ्रेश हो चुके हैं, साफ़ सुथरे से हो चुके हैं। और इसको डेली यूज़ करने से आपके टीथ जो हैं वो वाइट हो जाएंगे, जो आपका पिलाहट होती है टीथ पर वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कि वो डेली के डेली टीथ ब्रश कर रहे होते हैं लेकिन उनके टीथ जस्ट क्लीन हो रहे होते हैं, लेकिन कोई एज सच वो वाइटनिंग नहीं आती। तो इससे आपके टीथ जो है वो वाइट भी होंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट वाली प्रोडक्ट की। तो जनाब, इसके अंदर आपको पता है कि एक ड्रॉपर है और साथ में दो कॉटन बड्स दी गई हैं। इस प्रोडक्ट को आप डेली के डेली एज अ वो टूथपेस्ट वगैरह या चारकोल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आप वीकली यूज़ कर सकते हैं या महीने में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं इसको। क्योंकि इसके साथ ये होता है कि आपके दांतों के ऊपर जो पिलाहट होती है ना, वो ये रिमूव कर देता है इमीडिएटली, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी थोड़ा सा, तो आपको रिजल्ट्स लाइव नज़र आएंगे। आप देखेंगे कि जो मेरी कॉटन बड है वो उसके ऊपर कितनी ज़्यादा पिलाहट जो है वो ये रिमूव करेगा। अच्छा जी, इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने एक कॉटन बड लेना है और उसके एक हिस्से पर 2 ड्रॉप्स गिराने हैं इसके, और अपने टीथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। कोशिश करें कि ये आपके लिप्स को टच ना करें, वरना वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कोई तेज़ तरास चीज़ है। इसके साथ बहुत जल्दी आपके दांत साफ़ हो जाते हैं, पिलाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है गारंटी के साथ, आपके टीथ बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं इसके साथ। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी और इसको मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, महीने में एक दफ़ा ही यूज़ करती हूँ मैं इसको, ज़्यादा नहीं यूज़ करती। और इसको यूज़ करने के बाद आप सिंपली जो है वो कुली कर लें,
अच्छी तरह से। और ये देखिए मैंने कितनी एहतियात से जो है वो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ टीथ को। इसी तरह आपने सारे टीथ को अगर आप साफ़ करना चाहिए तो कर सकते हैं, और आप अंदर वाले हिस्से से भी अपने टीथ को साफ़ कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो कॉटन बड है वो अच्छी खासी यहाँ पर येलो येलो हो चुकी है, शायद आपको नज़र आ रही हो। तो जनाब इस प्रोडक्ट के लिए भी है 10/10 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।